सारे ग म प ध नि षड् ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, सारी दुनिया के संगीत का सार इन्हीं सात स्वरों में है। और जिसने ये सात स्वर साध लिए उसने सारी दुनिया का संगीत साध लिया। तो फिर देर किस बात की, आइए बांसुरी पर ये संगीत के सात स्वर सीखते हैं, साधते हैं बड़े ही सरल सटीक और संगीतमय चिन्मय अंदाज में। तो दोस्तों सा बजता है ऐसे, देखो ये तीन फिंगर्स हमने ढक रखी है और ये तीन होल्स खोल रखे हैं, ये आप बैलेंस करने के लिए रखेंगे यहाँ पे। अब इसमें जो है कहीं से भी एयर लीक हो जाएगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कुछ और ही आवाज निकल जाएगी। तो फिर सा टाइट आपको एयर टाइट क्लोज करना पड़ेगा। अब एयर टाइट क्लोज करने का मतलब ये नहीं कि पूरा आपको टाइट फ्लूट पकड़ना पड़े, फ्लूट को हल्का पकड़ना है ना, बस एयर कहीं से लीक नहीं होनी चाहिए, चेक कर लेना अच्छे से ऐसे आगे पीछे देख के। अब देखो यहाँ पे मैं जो है ये बैलेंस करने के लिए रख रहा हूँ, ऐसे बैलेंस करने के लिए आपको रखना है हाँ ये फिंगर और ये नीचे थंब। तो सा तीन होल बंद, रे ग, फिर म जो है वो हाफ बजता है, ग और म, ग और म, कुछ लोग ऐसे भी हाफ बजाते हैं, ऐसे भी बजाते हैं। अब प में दोस्तों आपको एक फिंगर ही ऐसे खोल के रखना है, बंद करेंगे तो भी चलेगा लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप खोल के रखें जिससे आवाज क्लियर आए और आपको आगे भी फायदा हो। ध नी और ये सा। अब ये जो नेक्स्ट सा है ये हायर सा है, धीरे धीरे आवाज जो है वो पतली हो रही है हाँ, तो जो प ध नी सा है उसकी आवाज पतली आएगी, वहां पे आपको फिर ब्लोइंग थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें बहुत प्रेशर नहीं मारना, ब्लोइंग का डायरेक्शन हल्का सा थोड़ा ऊंचा करना पड़ेगा। अब हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तब आपको समझ में आएगा। तीन बातों का आपको जरूर ध्यान रखना है। पहली बात, ब्लोइंग करते वक्त साउंड क्लीन और क्लियर निकलना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा तो पहले आप ब्लोइंग का प्रैक्टिस करिए। दूसरा पॉइंट, हर होल जो आपने अपनी फिंगर से कवर किया है वो एयर टाइट होना चाहिए, अगर कहीं से भी थोड़ी सी हवा लीक होगी तो आवाज़ नहीं आएगी, बहुत ख़राब आवाज़ आएगी। तीसरा पॉइंट, आपको प्रैक्टिस के दौरान जल्दीबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, हर तीसरे चौथे अटेम्प्ट के बाद आपको कुछ सेकेंड का ब्रेक लेना है, डीप ब्रीथिंग करनी है जिससे आपका माइंड फोकस रहे, रिलैक्स्ड रहे और आप सही से प्रैक्टिस कर सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, लगातार बजाते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप गलत प्रैक्टिस करने लग जाएंगे और हो सकता है कि आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट होकर फ्लूट को साइड में रख दें। तो स्टूडेंट्स आइए शुरू करते हैं बांसुरी पर सारेगामा बजाना। सबसे पहले आपने फ्लूट को सही तरीके से पकड़ा, ब्लोइंग होल को अपने लोअर लिप पे रखा, गलती से आपका ऐसा बच सकता है। तो ये लोअर नोट्स हो गए, सारे गमा पधा निशा में धीरे धीरे करके आवाज जो है वो पतली होती जाती है। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम प्ले किया था वो आपका रेफरेंस म्यूजिक रहेगा, उसको वापस सुनते हैं।
तो दोस्तों आपको सारे गमा पदनिशा और फिर उसका रिवर्स रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, और आपके लिए मैं एक लेसन ऑलरेडी लेके आ चुका हूँ। लॉन्ग नोट्स का सेशन है, वो आपको रोज 45 डेज तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धीरे धीरे मैंने सारे गमा पदनिशा का प्रैक्टिस करवाया है और फिर देखिए कि आपकी बांसुरी कितनी अच्छी बजती है और सफाई से बजती है। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरी किताब संगीतमय चिन्मय भारतीय शास्त्रीय संगीत इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़िएगा। संगीत आध्यात्म, संगीत चिकित्सा, राग क्या है, ठाट, अलंकार, बहुत सारी जानकारी, फोक म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंट्स, इंडियन म्यूजिक का पूरा हजारों सालों का हिस्ट्री और मेरे जीवन के अनमोल किस्से। मेरे जीवन के अनमोल किस्सों में पिरोई हुई एक माला है मेरी किताब संगीतमय चिन्मय। बड़ा मजा आएगा। जिन्हें संगीत का प्रेम है ना, वो तो दीवाने हो जाएंगे, और जिन्हें संगीत का शौक नहीं है वो भी संगीत को सीखना शुरू कर देंगे। दोनों भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया है अमेजोन का, ठीक है? जरूर पढ़िएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि सा यही से हम क्यों बजाना सीखें, यहाँ से यहाँ से यहाँ से क्यों नहीं बज सकता? तो इसका आंसर बड़ा सिंपल है कि जो इंडियन म्यूजिक है, चाहे वो फिल्म सॉन्ग्स हो, क्लासिकल म्यूजिक हो या किसी भी जॉनर का इंडियन म्यूजिक हो, वो 99% जो है वो मंत्र प से लेकर तार तक के बीच के इस रेंज में ही बजता है। अब आप बोलेंगे मंत्र प तार प क्या है सर ये? तो किसी सर्टेन फ्रिक्वेंसी, एक सर्टेन लोअर फ्रिक्वेंसी से लेके सर्टेन हायर फ्रिक्वेंसी तक, हाँ, एक नीचे आवाज से लेके ऊपर की ऊंची पतली आवाज के बीच में ही बसता है, वो सेट कर रखा है, उसके ऊपर बहुत कम रेयर जाते हैं। तो इसलिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट ऐसा ट्यून करते हैं कि आप जो है उस सर्टेन फ्रिक्वेंसी तक पहुंच जाए, मंत्र प तक पहुंच जाए आराम से और तार प तक पहुंच जाए, समझे? चाहे वो सरोद हो, वायलिन हो, बांसुरी हो या कोई भी इंडियन इंस्ट्रूमेंट हो, उसमें सारे गमा पदनिशा ऐसे सेट करते हैं ताकि मंत्र प से लेके तार प तक आप जो है आसानी से स्वर निकाल सकें और आपका गीत गाना धुन जो है बजा सके, उसको साध सके। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये लेसन अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा और करवा भी दीजिएगा, साथ ही में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों आपका साथ ही मेरा साहस है और शक्ति है। अगर आपका साथ यूं ही बना रहेगा तो मैं ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे लेसन्स और बहुत नया नया कंटेंट आपके लिए लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नहीं, हमेशा के लिए मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद और जय भारत।